अलीगढ़ से पानी उठाने को लेकर चला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश की सीमेंट कंपनी अंबुजा को अलीगढ़ से पानी पहुंचाने के मकसद से बनाई जा रही योजना के खिलाफ जहां बिलासपुर जिला के नैना देवी उपमंडल के तहत अलीगढ़ से लगती पंचायत के ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन 16वें दिन में आ पहुंचा है, तो वहीं नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा द्वारा ग्रामीणों को अपना समर्थन दिए जाने के बाद अब पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर भी ग्रामीणों के समर्थन में उतरते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं सर्किट हाउस बिलासपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि अलीगढ़ पर बिलासपुर जिला के लिए 35 पेयजल योजनाओं सहित दामी घाटी सिंचाई योजना चल रही है। अलीगढ़ पे हमारी कोई 35 स्कीमें हैं जो बिलासपुर की पीने के पानी की बनी है। इसमें हमारी दामी घाटी सिंचाई योजना भी है और साथ में खड्ड के किनारे पे हमारी जो कुली जमीन है उसमें जो है वो क्यारों में जो है वो कूल के द्वारा भी पानी लगता है। अब सारे का सारा पानी उस एरिया में जा रहा है जिसमें उनका राइट अलीगढ़ पे नहीं है। सिर्फ नवगांव पंचायत है जिनका राइट है, उनको ऑलरेडी पानी जो है वो दिया हुआ है और वहाँ से पानी उन्होंने उठा रखा है, अलीगढ़ से उनको पानी जा रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है, कोई 2.5 लाख रुपये उसको दिया गया है। लोग पहले उसका विरोध करते थे लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि कारण क्या है कि लोग भी कुछ उसमें शामिल हो गए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो स्कीम के मुताबिक जो ज़मीन उन्होंने खरीदी है, जो स्कीम अप्रूव हुई है, वो उस ज़मीन से 2 परकुलेशन वेल बना के पानी उठा के ये ऊपर वाले एरिए में ले जाने की बात है। हम उसका विरोध नहीं करते लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि जहाँ से परकुलेशन वेल स्कीम के मुताबिक बढ़ने चाहिए वहाँ से परकुलेशन वेल नहीं बन रहे हैं और वो अलीगढ़ से पानी उठाना चाह रहे हैं ताकि ये अलीगढ़ सूखी हो जाए। हमारे लोगों का जो ग्राट है, जो जमीने हैं, जो पीने का पानी है, उससे लोगों को वंचित किया जा सके, ये मैं कहना चाहता हूँ। इससे मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनके पास डिपार्टमेंट है, उनसे भी मेरा निवेदन है और मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि तुरंत उसमें हस्तक्षेप करें इससे पहले कि कोई परिस्थिति और ख़राब हो जाए, कानून की व्यवस्था जो बिगड़ जाए। सरकार को ये जो बड़ी कंपनी है जो ये पानी लोगों के नाम पर ले जाना चाहती है, लेकिन ये अगर देखा जाए ये अदानी ग्रुप है जो इसको ले जा रहा है, ये अपने परे से उठाए, जो कोल डैम से पानी उठा ले, इस पानी को उठा के बिलासपुर के लोगों को हमें कहना चाहता हूँ कि आगे को, क्योंकि सूखा पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि 2030 में भयंकर सूखा पड़ेगा, तो अगर सूखा पड़ेगा तो फिर ये पानी अगर उठा लेंगे तो बिलासपुर के लोगों को तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो डिपार्टमेंट वाले लोग हैं ये गलत कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। जहाँ से पानी उठाना चाहिए वहाँ से नहीं काम हुआ, ऊपर से जाके जो है वो मैं कहूँगा कि ऊपरली साइड से डिस्ट्रीब्यूशन का काम पहले शुरू किया और पानी अभी उठा नहीं रखा है। इसलिए लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वहाँ पे टैंक भी बना दिए, वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पाइप वो भी बिछा दी, राइजिंग मेन भी बिछा दी। लेकिन राइजिंग मेन तो तब होगी अगर पानी नीचे से उठेगा, पानी ऐसे नहीं उठेगा। और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्सियन है वहाँ पर, या जो SC है, या जो चीफ इंजीनियर है, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये उल्टा काम क्यों किया है। अगर आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इन ऑफिसरों के खिलाफ FIR दर्ज करें और कानून के मुताबिक उनको सजा